हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम अपने कमेंट के बारे में बात करेंगे। कमेंट एक्चुअली एक स्टूडेंट का है, वो भी फार्मेसी कर रहा है। उनका कहने का अर्थ है कि वो उनका फार्मेसी में और एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फार्मा कंपनी शुरू करना चाहता है। लेकिन सभी यही कहते हैं कि अगर उनको फार्मा कंपनी शुरू करनी है तो बी फार्मेसी कंपल्सरी है, पहले वो बी फार्मेसी करिए। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एज ए फ्रेंड अगर आपसे बात करूँ तो देखो, फार्मा कंपनी का ओनर होने के लिए आपको बी फार्मेसी या फार्मेसी ग्रेजुएट और फार्मेसी एजुकेशन का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ज़्यादातर हमने बात भी करी है कि बहुत सारे फार्मेसी स्टोर्स लगा लो आप, कंपनीज लगा लो, उनके ओनर ऐसे हैं जो फार्मा बैकग्राउंड से नहीं है। एक्चुअली बिजनेस सेटअप करना या कंपनी सेटअप करना एक लॉन्ग टर्म गेम होती है, और अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपको पेशेंस सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने पहले भी बात करी है, तो आपको पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप लेके चलिए। आप एजुकेशन में हो सकता है कि आपको टॉप नहीं करना है, आप मैं कहता हूँ कि आप टॉप भी ना करिए। टॉप पर होना या ना होने से आपकी फार्मा कंपनी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म गेम चलिए। देखो, आज के टाइम में बिजनेस शुरू करना, उसको कम्युनिकेट करना बहुत आसान है जब से इंटरनेट आया है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो मेरी खुद का वेंचर नहीं होता, मैं भी आज भी जॉब कर रहा होता। तो आपको लॉन्ग टर्म चलना है, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ के और सीधा फार्मा कंपनी लगा लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए, एटलीस्ट अगर आप नंबर के लिए नहीं तो नॉलेज गेन करने के लिए उसको करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब हम फार्मा बैकग्राउंड के थे, एक्चुअली जिस डिपार्टमेंट में मैं था वहाँ पे ज़्यादातर नॉन फार्मा पर्सन ही थे, लेकिन मेरे को फार्मा एजुकेशन का एडवांटेज था वहाँ पे, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो मैं क्लाइंट से काफ़ी अच्छी तरह बात कर सकता था, उनको बेसिकली समझा सकता था क्या चीज़ होती है, क्या एक्चुअल होता है, क्या नहीं होता है। तो आपके लिए देखो एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर आप देखो, हम आजकल बात होती है कि एजुकेशन जरूरी नहीं होती, लेकिन देखो ग्रेजुएशन होना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। और आप अगर आप फार्मा में शुरू करना चाहते हो तो फार्मा का जो बी फार्मा है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बेस के लिए बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ना जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी एजुकेशन आप पूरी करिए। उसके बाद मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप 2 साल 3 साल 4 साल जब तक आप प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं लेते, क्योंकि एजुकेशन में जो आप सीखोगे वो आपकी प्रैक्टिकल, जब आप फार्मा में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे तो वो बिल्कुल आपको इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। तो वो भी आपको एक्सपीरियंस लेना बड़ा जरूरी है। वहाँ पे 3 साल 4 साल आप काम करिए, क्योंकि आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं होगी। अंडर 30 तक आप जितना भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो उतना लीजिए, फिर आप छोटे छोटे रिस्क लीजिए। आप 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो। जो वो रिस्क है आपके, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में कामयाब हो जाओ, हो सकता है दूसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो जाओ, हो सकता है कि आप तीसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो जाओ, लेकिन आप कामयाब जरूर होंगे जब आप कोशिश करोगे। और उसके अलावा देखो, आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, लेकिन क्या है कि अभी आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, देखो जरूरी नहीं है आपकी फार्मा मार्केटिंग कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होना चाहिए। आज के टाइम में इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट में अगर आप फार्मा में पढ़ते पढ़ते भी फार्मा से रिलेटेड आप ब्लॉग शुरू करो, यूट्यूब चैनल शुरू करो, या इंस्टाग्राम पे आप फार्मा से रिलेटेड कुछ भी शुरू करो, उसको फिर आप लगातार कंटिन्यू करो। हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन के दौरान भी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज सीख जाओ। लोग आपसे कमेंट करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो आप उस नॉलेज को सर्च करोगे तो आपकी नॉलेज गेन होगी। हो सकता है कि आपकी इनकम इन सब चीज़ों से ही आने शुरू हो जाए, क्योंकि देखो COVID-19 के बाद जो मैंने ट्रेंड देखा है, अभी क्या है कि जो कंपनीज की, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज की भी है, उनका भी जो कंसल्टेंट रहता है, ये आपका एडिशनल हो सकता है जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, या खुद का भी सेटअप आप एजुकेशन करते करते ही तैयार कर सकते हो। क्योंकि अभी सभी को कंटेंट राइटर चाहिए, सभी को डिजिटल एक्सपर्ट चाहिए, सभी को आप स्टोरी टेलर चाहिए। और एक्चुअली जो पैनाडेमिक के बाद की सिचुएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अगर आप फार्मा की एजुकेशन भी लेते हो, आपके पास इंटरनेट की नॉलेज भी है, आप SEO भी सीख जाओगे साथ साथ, आपका एक अच्छा यूट्यूब चैनल हो सकता है, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल आपका क्रिएट हो जाए, आपका ब्लॉग काफ़ी फेमस हो जाए, तो आपको वो चीज़ें इंडस्ट्री में एक अच्छी पोजिशन दिलाने के लिए भी हो सकती है। हो सकता है कि आप उनके साथ एज ए कंसल्टेंट जुड़ना शुरू हो जाओ, वो आपसे राय लेना शुरू करे, वो क्योंकि क्या है कि इंटरनेट जितना आपकी जनरेशन कर सकती है उतना
हमसे बड़ी जनरेशन नहीं कर सकती, हम भी एक्चुअली फेसबुक तक सीमित हैं, हम यूट्यूब तक सीमित हैं, इंस्टाग्राम हमें भी इतना अच्छा नहीं आता चलाना, वो हमारी भी जनरेशन निकलती जा रही है जिस जनरेशन से हम आते हैं, तो हो सकता है आपकी जनरेशन के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो आपको क्या है कि कल जाके आपको फार्मा की नॉलेज है, फार्मा कंपनी आपको हायर करना शुरू कर, आपको पार्ट टाइम काम देना शुरू कर दे, एज ए कंसल्टेंट अपने साथ जोड़ ले कि हमें बताओ कि हमें कंटेंट मार्केटिंग में क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा है क्रेज और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि सभी कुछ चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। मैं एक MNC कंपनी के मार्केटिंग हेड को सुन रहा था, वो कह रहा था कि आज से पहले हम इंजीनियर्स को हायर करते थे, फार्मासिस्ट को हायर करते थे, उन सबको हायर करते थे, लेकिन पैनेडेमिक के बाद वो कह रहा था कि हम कंटेंट राइटर को हायर करने लग गए, फिर हम फिल्म मेकर्स को हायर करने लग गए और स्टोरी टेलर्स को हायर करने लग गए। हम पर्टिकुलरली एक फील्ड में जिसकी एक्सपर्टीज लिखने में है, बोलने में है, वीडियो बनाने में, उनको हायर करने लगे। तो ये भी क्रेज बढ़ रहा है और आप एज ए हो सकता है कि आप एजुकेशन लेते लेते आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट होता है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपनी ज़िंदगी के 3 साल 4 साल, अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको 3 साल 4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए, उससे पहले नहीं हो सकते। आप ये भूल जाओ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपने माइंड से निकाल दो कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट होता है, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को किसी भी वेंचर को स्मार्ट वर्क से या शॉर्टकट से कामयाब होते देखा है। सबको एक ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जिंदगी के प्रीवियस ईयर तो आपको देने ही पड़ेंगे। आपको अगर अपने एजुकेशन के साथ साथ भी कामयाब होना है तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल को भूल के अपने वर्क पे अभी से लगना पड़ेगा। देखो, मेहनत करोगे तो आप कामयाब जरूर हो जाओगे। जितनी जल्दी आप प्रोसेस को शुरू करोगे, जितना जल्दी इस रास्ते में आप एंटर करोगे, उतना ही जल्दी आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे को खुद लगता है कि मैंने जो स्टेप लिया है वो बहुत लेट लिया था, क्योंकि मेरे को भी अपने जॉब के 3 या 4 साल बाद शुरू कर देना चाहिए था। उसके लिए मैंने 6-7 साल का इंतजार किया, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन मैंने उस प्रोसेस को जब भी लिया और मैं उस सेटअप में डल गया। आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास, आपको ज़्यादा एकदम से कुछ भी गलत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए और अभी से वर्क पे लग जाइए। इंटरनेट पे फार्मा से जुड़ा कुछ डालिए, सोशल नेटवर्क्स से जुड़ा सीखिए, कैसे SEO काम करता है, गूगल कैसे काम करता है, कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप यूट्यूब पे फार्मा से जुड़ी हुई नॉलेज शेयर कर सकते हो, कैसे आप अपनी कम्युनिटी को नॉलेज दे सकते हो, ये सब सीखिए। फ्यूचर में जाके आपको ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है कि कोई कंपनी आपको आपकी जॉब के साथ ही आपको एज ए कंसल्टेंट जोड़ ले, अगर आपका कंटेंट फेमस होता है वहाँ उनको दिखेगा, क्योंकि बड़ी जरूरत है। मेरे को भी लगता है कि हमें भी कंटेंट राइटर्स की और दूसरे स्टोरी टेलर्स की जरूरत है। हमें भी अब हम भी सोचते हैं कि हम किसी दूसरे एक्सपर्ट को, मार्केटिंग एक्सपर्ट की तुलना में हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ग्राफर्स जुड़े, कंटेंट राइटर्स जुड़े। हमें दिख रहा है कि इंटरनेट ही मार्केटिंग का वे है और उससे जितनी इजीली आप ग्रो कर सकते हो, वैसा आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से नहीं कर सकते। तो एजुकेशन छोड़ के और कंपनी को डायरेक्टली शुरू करना तो सोसाइटल अटेम्प्ट होता है। आप एजुकेशन करिए, उसके साथ ही आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करूंगा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।